नमस्ते, मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे। पूरे हफ्ते क्या हम लोग एक जायजा ले लेते हैं, पॉलिटिकल उसमें क्या हुआ, किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में राजनीति चल रही है। प्रोफेसर अभय दुबे, स्वागत है आपका। आज हम लोग थोड़ा पंजाब पे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी उथल पुथल, मेरे हिसाब से उलट पुलट। एक पार्टी जिसको अभी तक माना जाता था कि दिल्ली तक जिसका सीमित है अपना, आम आदमी पार्टी, उसने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है पंजाब में। उस पे आने से पहले लेकिन मैं एक टिप्पणी आपसे जरूर लेना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे वो थोड़ा व्यथित किया है उस बात ने। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने भाजपा के किसी एक कार्यक्रम में बोल रहे थे अभी 2-4 दिन पहले, और उसमें वो जो कश्मीर फाइल्स पिक्चर है उसको वो एक तरह से प्रमोट कर रहे थे। कह रहे थे भाई ये इतिहास है और इतिहास में इतनी अच्छी पिक्चर बनी नहीं है और जरूर देखना चाहिए। उसमें कहते कहते उन्होंने काफी देर इस पे भी चर्चा की कि महात्मा गांधी को दुनिया नहीं जानती थी, दुनिया नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को जानती थी, और जब रिचर्ड अटनबरो ने, एक विदेशी ने आके गांधी को बनाया, तब दुनिया ने जाना कि कोई गांधी भी कोई चीज है। मुझे ये अटपटा लगता है, क्योंकि देखिए हम अगर कोई वैसा विद्यार्थी कहे विथ एजेंडा कहे, लेकिन मोदी जी ऐसे नहीं है। मोदी जी जब गांधी को के सामने प्रणाम करके अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, मोदी जी उसी जगह से आते हैं, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये ऑफ द कफ रिमार्क था। गांधी को बौना करके आप किसी और को बड़ा नहीं कर सकते हैं, ये कब समझ में आएगा। मैं एक एक त्वरित टिप्पणी आप पे इससे लेके फिर हम लोग जरा पंजाब की बात करेंगे। प्रोफेसर नहीं, इस अमित, बात के दो पहलू हैं, दो पहलू हैं, या मैं कहूंगा तीन पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्री की, इनका इतिहास संबंधी ज्ञान हमेशा से ही संदिग्ध रहा है, और उन्होंने अपने भाषणों में इतिहास संबंधी बहुत सी गलतियां की हैं। चूंकि ये लोग लोकप्रिय नेता हैं और लगातार चुनाव जीतते रहते हैं, तो उन जीतों की आड़ में इनकी वो गलतियां छिप जाती हैं। अगर ऐसा इतिहास संबंधी ज्ञान लेकर ये इम्तहान देंगे तो उन्हें जीरो मिलेगा। इस तरह की स्थिति है, हो सकता है इनकी नकारात्मक निगेटिव मार्किंग भी हो जाए इन लोगों की। तो दूसरा पहलू इसका यह है कि मैं ये जरूर मान सकता हूं, इस लिहाज से नरेंद्र मोदी की बात में सच्चाई है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हो सकता है कि गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म देख के ही ज्ञान हुआ हो। आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो हैं वो महात्मा गांधी के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। वो हमेशा ही अपने उनके बौद्धिक जो होते हैं, जो ओटीसी होती है, यानी जो उनका उनका शिक्षा शिविर है जिसमें 1 महीने के लिए स्वयंसेवक जाते हैं, उसके अगर बौद्धिकों का आप रिकॉर्ड देखें, और स्वयं भी कभी आपको मौका लगे जाकर उनके बौद्धिक पुराने, आज के नहीं, पुराने बौद्धिक सुनने का, तो आपको फिर पता चलेगा कि ये दोनों गांधी जी के बारे में किस तरह की राय रखते हैं। गांधी जी के बारे में उनकी राय हमेशा नकारात्मक थी, उनको हिंदू विरोधी के रूप में और मुसलमान समर्थक के रूप में पेश किया जाता रहा है। तो दूसरी, ये तो गांधी जी का महत्व तो 1974 में पहली बार जब बाला साहब देवरस ने पूना की वसंत व्याख्यान माला में अपना मशहूर व्याख्यान दिया, जो जिसने जिसने राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, उसमें उन्होंने पहली बार गांधी जी को एक प्रातः स्मरणीय पुरुष के रूप में चिन्हित किया। अन्य राष्ट्र निर्माता नेताओं के साथ साथ गांधी जी को प्रातः स्मरणीय व्यक्ति के रूप में उन्होंने चिन्हित किया, और उसके बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खुलकर गांधी जी की बुराई होना बंद हो गई। उससे पहले तो संघ की शाखाओं में, उनके बौद्धिकों में, उनके कार्यक्रम में गांधी जी की खुलकर बुराई होती थी। और गांधी का महत्व तो क्या है, उनका अंतरराष्ट्रीय महत्व तो क्या है, ये बात मैं थोड़े मजाक के अंदाज में ही कह रहा हूं कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व को तब पता चला होगा जब उन्होंने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म देखी होगी। इसलिए उनकी इस गलतियों पे उन लोगों को माफ कर देना चाहिए। अभी वो इस तरह के बहुत सारे गूफ अप करने वाले हैं। देखिए, सत्ता बहुत ज्यादा मिल चुकी है, सत्ता इतनी मिल चुकी है, उसका थोड़ा बहुत मद आना भी स्वाभाविक है। उनको वैसे भी नरेंद्र मोदी जी के जो पार्टी के अंदर भी उनको व्यंग से सर्वज्ञानी कहा जाता है, उन्हें उन्हें लगता है उन्हें हर चीज मालूम है। तो वो इस तरह की अभी बहुत सी ऐसी बातें करेंगे, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो जब तक इनका सत्ता काल खत्म होगा तब तक एक बहुत लंबी लिस्ट बन चुकी होगी। जी, अब हम लोग सीधे आ जा रहे हैं पंजाब पे। पंजाब में एक मतलब बड़ा उलट फेर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी वहां थी, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी पिछले 8-10 साल से। 2014 में उसके एमपी भी जीत के आए, फिर 2019 में भगवंत मान जीत के आए वहां से, ये सब सब कुछ हो रहा था।
लेकिन ये उम्मीद नहीं थी, जैसे वो सही में जो उनका सिंबल है ना झाड़ू लगा देना, उन्होंने बाकी सारे लोगों के ऊपर एक तरह से झाड़ू लगाया। इसको जरा एक बार समझाइए, ये पंजाब में हुआ क्या? सबसे पहले तो मैं, चूंकि आपने मौका दिया है तो उसका सदुपयोग करते हुए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कौन कौन शक्तियां थी जो इसको नहीं होने देना चाहती थी, और पंजाब की जनता ने इसको नाकाम कर दिया। एक जो पुराना एक फिक्रा है ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो पंजाब के इस चुनाव के संदर्भ में इस फिक्रे को यूं भी कहा जा सकता है, जिसको चाहे जनता रोक सके ना कोई। रोकने की बहुत कोशिशें की गई। मुझे याद पड़ता है कि 2017 में अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो उस वक्त एक पत्रकार ने बातचीत करते हुए उनसे टीवी के ऊपर कहा कि ऐसा लगता है कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी उभार पर है। तो अमित शाह ने कहा था कि अगर कोई पार्टी बढ़ रही है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। ये एक सकारात्मक वक्तव्य था। इस वक्तव्य को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद भाजपा आम आदमी पार्टी को बढ़ते देखकर भाजपा को ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2017 के चुनाव में भी भाजपा ने आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की थी और उस कोशिश में वो सफल भी हुई थी। खुद भाजपा पंजाब में अकाली दल के साथ सहयोग की मोहताज है। अब आप देखिए, उन्होंने ये देख कर के अकाली दल शायद बेअदबी के आरोप से अभी उभरा नहीं है और इस बार अकाली दल की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार बन सकती है और आम आदमी पार्टी की चुनौती कांग्रेस को रोक सकती है सरकार बनाने से। हो सकता है आम आदमी पार्टी सरकार बना ले। उसको रोकने के लिए भाजपा ने बहुत होशियारी से अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर अपने प्रभाव क्षेत्र वाले हिंदू व्यापारियों के वोट कांग्रेस की तरफ मोड़े थे। यानी भाजपा के खाते में जो वोट जाने चाहिए थे वो वोट चतुराई पूर्वक आम आदमी पार्टी को जीतने से रोकने के लिए कांग्रेस को दिलवाए गए थे 2017 के चुनाव में। ये पंजाब की राजनीति की जानकारी रखने वाले सभी लोग इस बात को जानते हैं। आप पंजाब के किसी भी वरिष्ठ पत्रकार से बात कीजिए, वो बताएगा कि 2017 में भाजपा के वोट भी कांग्रेस को प्राप्त हुए थे बड़ी मात्रा में। इसीलिए आम आदमी पार्टी, इसीलिए कांग्रेस 70 सीटें प्राप्त कर चुकी थी, कर पाई थी उस वक्त। इस बार भी भाजपा ने कोशिश की आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। मतदान से ठीक पहले तीन तरह के दांव खेले गए। पहला दांव यह था कि हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा डेरा सच्चा सौदा के गुरु, जो कि भीषण किस्म के अपराधों में सजा काट रहे हैं, उनको फरलो के ऊपर छोड़ा गया और उन्होंने बाहर निकलकर भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में फतवे दिए और अकाली दल के उम्मीदवारों के पक्ष में उन्होंने फतवे दिए। दूसरा दांव यह खेला गया कि कुमार विश्वास से एक वक्तव्य दिलाया गया, इसमें कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत थी। इसका कारण क्या था हम सब लोग इस बात को जानते हैं, टीवी में दोहराने की जरूरत नहीं है। वक्तव्य दिलाया गया कि अरविंद के पिछले चुनाव में ही अरविंद केजरीवाल की पंथिक ताकतों से, जो कि उग्रवादी ताकतें हैं, उनके साथ साठगांठ थी। ये वक्तव्य दिलाया गया। तीसरा दांव यह खेला गया कि जब दीप संधु, जो कि लाल किले वाले मसले में काफी बदनाम हो गए थे और कानून गिरफ्तार भी किए गए थे, उनकी एक ट्रक दुर्घटना में मौत हो गई, तो दीप संधु से हमदर्दी रखने वाले नौजवान, जो कि पंजाब के काफी देहात, दीप संधु पंजाब के लोकप्रिय अभिनेता थे, पंजाब के देहातों में है, दीप संधु की राजनीति उग्रवादी किस्म की राजनीति थी, तो उस रुझान के अनुयायी नौजवान आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे थे, ये सोचकर कि शायद अकाली दल को और कांग्रेस को यही पार्टी पराजित कर सकती है। तो इस तरह की बात फैलाई गई कि दीप संधु की डेथ के बाद अब वो लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। उसके बाद मैंने पंजाब के कई बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से बातचीत की, तो सब लोग ये तो मानते थे कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक रुझान है और जनता भी परिवर्तन चाहती है, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि शायद आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत ना प्राप्त कर पाए, क्योंकि और जब पूछा गया क्यों ऐसा क्यों है तो यही तीन कारण वो बताते थे। वो कहते थे, एक तो राम रहीम ने फतवे दे दिए हैं, तीसरे कुमार विश्वास ने इंटरव्यू दे दिया है जिसकी वजह से जो शहरों का हिंदू या हिंदू है, राष्ट्रवादी हिंदू है, वो आम आदमी पार्टी से हट जाएगा और भाजपा के उम्मीदवारों की तरफ आकर्षित हो जाएगा, और तीसरा दीप संधु वाली घटना का वो जिक्र करते थे। तो अब मुझे इस बात में ताज्जुब होता था कि अगर लोग परिवर्तन चाहते हैं और अगर लोग आम आदमी पार्टी की तरफ झुके हुए भी हैं, परिवर्तन के वाहक के तौर पर उसको देख रहे हैं, तब फिर वो अकाली दल को और भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देंगे? लेकिन इन बातों से कोई बहस नहीं की जा सकती है, उनकी अपनी समीक्षा थी उनकी। जब परिणाम आया तो परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि ना तो शहरी हिंदुओं ने किसी और को वोट दिया, ना उन दलितों ने किसी और को वोट दिया जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वो पंजाब के दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में गोलबंदी करेंगे।
और ना जाट सखों ने किसी को वोट दिया, बाकी लोगों को तो वोट ही नहीं मिले। अगर अगर आप देखें ईमानदारी से 117 के सदन में अगर कोई पार्टी 92 सीट जीतती है और एक एक सीट के ऊपर आदमी 50-50 60-60 हजार वोटों से जीत रहा है, और जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे सुखबीर सिंह बादल हो, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे कोई हो, बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं और साधारण लोग उन्हें हरा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि पंजाब की जनता ने किसी और पार्टी को वोट ही नहीं दिया है, सारे के सारे वोट एक मुहावरे के तौर पे हम कह सकते हैं सिर्फ एक ही पार्टी को मिले हैं। जो इन लोगों को वोट मिले हैं वो गलती से मिल गए हैं, धोखे धड़ाके में इन लोगों को कुछ वोट मिल गए हैं, बाकी बिल्कुल एक तरफा चुनाव रहा। और ये आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड है भारत के संसदीय लोकतंत्र में कि जब भी वो चुनाव जीतती है तो इसी तरीके से चुनाव जीतती है। पहला चुनाव दिल्ली में जीता था तो भाजपा को 3 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 0 मिला था। तब हम लोगों ने व्यंग से कहा था कि सीबीआई में केस दर्ज किया जाना चाहिए कि भाजपा को ये 3 सीटें कैसे मिल गई, इसकी जांच करे सीबीआई। और हाँ, उसके बाद में दूसरा चुनाव हुआ, भाजपा लेकिन कुल मिला के 8 सीटों से मिली, कांग्रेस को फिर 0 सीटें मिली। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, दरअसल जो मौजूदा पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम की जो पहले से सदस्य पार्टियां चली आ रही हैं, उसके खिलाफ मोहभंग की वाहक है। जब भी जनता को मौजूदा पार्टियों, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे 100 साल पुरानी अकाली दल हो, कोई भी पार्टी हो, दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा दोनों का मुकाबला करती है आम आदमी पार्टी, पंजाब में उसने कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल सबका मुकाबला किया। तो ये जो पार्टी सिस्टम में, पार्टी प्रणाली में पहले से जो स्थापित पार्टियां हैं, जो चुनावी प्रतियोगिता में भाग लेती रही हैं और सत्ता भी प्राप्त करती रही हैं बारी बारी से, उनके खिलाफ जनता के अंदर जो नाराजगी है, उस नाराजगी का अगर कोई पार्टी अन्य क्षेत्रीय दलों के अलावा नुमाइंदगी करती है तो वो आम आदमी पार्टी है। इस पार्टी की एक और विशेषता है जो शायद आप भी मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये पार्टी किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की पार्टी नहीं है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि आम आदमी पार्टी दलितों की पार्टी है, या ये ओबीसी की पार्टी है, या ये ब्राह्मणों की पार्टी है, या ये हिंदुओं की पार्टी है, या ये मुसलमानों की पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां इसी तरह की हैं। इस लिहाज से आजादी के तुरंत बाद की जो कांग्रेस थी, जो किसी समुदाय की नुमाइंदगी नहीं करती थी बल्कि राष्ट्रीय स्पिरिट की, नेशनल स्पिरिट की नुमाइंदगी करती थी, आम आदमी पार्टी दरअसल उसका एक मिनिएचर संस्करण है, उसका एक लघु रूप है। कांग्रेस जितनी विशाल और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई पार्टी निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन उसका एक लघु संस्करण है। इस तरह मैं कह सकता हूं कि पंजाब के इस चुनावी नतीजे से एक क्षेत्रीय दल ने, जो एक खास तरह का क्षेत्रीय दल है, अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह नहीं है, उसने एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ पहला सशक्त कदम उठा दिया है। अब देखिए इसका परिणाम कहां तक निकल जाता है। मैं एक चीज और जरा इसमें आपको उसे समझूं, ये जब चुनाव का रनअप था और अब वो काफी कई जगह चलाया भी जा रहा है, अरविंद केजरीवाल साहब किसी एक चैनल के कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने लिख के, अब इसको कुछ लोग कहेंगे तुक्का है तो ठीक है, तीर है तुक्का है, लेकिन उन्होंने लिख के दिया था कि चन्नी जी दोनों जगह से चुनाव हार रहे हैं, और ये भी लिख के दिया था कि भगवंत मान 55,000 वोट से ज्यादा से जीत रहे हैं। जो हम लोगों को दिखाया जा रहा है वो यही दोनों चीजें दिखाई जा रही है, इसके अलावा भी कुछ दिया था तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल के साथ मेरा जो अनुभव है, आनंद जी, अरविंद केजरीवाल के साथ मेरा जो अपना अनुभव है वो संस्मरण में आपके साथ शेयर करता हूं। जब ये 2015 में चुनाव लड़ रहे थे, अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, और भाजपा ने किरण बेदी को चुनाव मैदान में उतारा, उसके दूसरे दिन मेरी अरविंद से मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछा भाई आपका क्या आकलन क्या है, अरविंद ने कहा कल तक तो मैं चुनाव जीत रहा था, आज नहीं कह सकता। तो मैंने कहा क्यों, कि वो किरण बेदी को उतार दिया उन्होंने मैदान में, तो मैंने कहा उसको तो भाजपा के लोग ही नाराज है किरण बेदी से, तो उन्होंने अरविंद का कहना था इससे क्या फर्क पड़ता है, किरण बेदी की छवि एक ईमानदार व्यक्ति की है और आम जनता, भाजपा के बड़े नेता नाराज बने रहे लेकिन आम जनता उसको वोट दे देगी भाजपा को किरण बेदी के नाम पर। उसके 2-3 दिन बाद फिर जब मुलाकात हुई तो मैंने फिर पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं अब हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हमने अब क्यों, कि वो तो किरण बेदी ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक समझ है वो देश में बहुत ही कम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप देखिए पहले ही चुनाव में जब उनको 27 सीटें प्राप्त हुई थी, उसी वक्त वो शीला दीक्षित से भिड़ गए थे, न केवल भिड़ गए थे बल्कि उन्होंने शीला दीक्षित को हरा के उनके राजनीतिक जीवन का खात्मा कर दिया। और शीला दीक्षित कोई छोटी मोटी नेता नहीं थी, 3 लगातार चुनाव दिल्ली में वो जीत चुकी थी, और शीला दीक्षित दिल्ली में कभी अलोकप्रिय नेता नहीं, उनको आंटी नंबर 1 कहा जाता था दिल्ली में।
इसी तरीके से जब 2014 का चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल बनारस जाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, वो हार गए चुनाव, लेकिन उन्हें सम्मानजनक वोट प्राप्त हुए और वो दूसरे नंबर पर रहे। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा हो। ध्यान कीजिए, अरविंद नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले चुनाव में दूसरे नंबर पर कौन रहा था? दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहे थे। नहीं और अभी भाई साहब, मैं एक और चीज याद दिला दूं कि उस समय बिल्कुल हवा खराब कर दी थी मोदी जी को बार बार जाके वहां, क्योंकि ग्राउंड पे ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल साहब के पक्ष में बहुत लोग होंगे। भाई स्टूडेंट्स आ जाते थे, बुद्धिजीवी आ जाते थे, टीचर्स आ जाते थे, तो उनकी हवा तो बहुत, उन्होंने हालत खराब की थी। वोट जितने भी मिले हों, सेकंड तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मतलब ये भी एक, और मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ, ये कुछ समाजवादियों का तेवर होता है, समाजवादी तो वो जाके नेहरू जी के खिलाफ लड़ जाते थे जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, देखिए आलोचना सभी की जा सकती है, इन लोगों की भी आलोचना की जाती है, खासतौर से उनके साथ जो लोग रहे हैं वो काफी आलोचना उनकी करते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिनको सुन के पहली बार में यकीन नहीं होता, ऐसा कि कुमार विश्वास ने बातें कही थी। वही कुमार विश्वास जो कह रहे थे कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पंथिक ताकतों के साथ में साजबाज कर रही थी, इसी तरह के वीडियो हैं तमाम। 2017 के चुनाव में पंजाब में चुनाव प्रचार, वो नाच 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 कर आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं डांस करते हुए। तो जब उन्हें ये पता था उस वक्त कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों से मेलजोल कर रहे हैं, तो उनके पक्ष में वो डांस क्यों कर रहे थे वहां पर? तो एक तरह से कुमार विश्वास ने ये अपना अपने सम्मान को ठेस लगाई है, वो अच्छा होता वो वक्तव्य ना देते। नहीं, अपना कद छोटा किया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं केवल वो नहीं, 17 से 2022 तक अगर आपको पता है कि कोई एक व्यक्ति जो देशद्रोह के श्रेणी में आता है उसका व्यक्ति, और आप उसके लिए चुप है, तो आपकी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर मुझे और आपको किसी के बारे में मालूम हो और मैं सामाजिक उसमें ये सब वक्तव्य देता हूँ, और अगर नहीं बोल रहा हूँ मैं भी, मेरी चुप भी उसका। मैं एक चीज और जरा समझूंगा, जब चन्नी जी को बनाया गया था तो ये था कि ये मास्टर कार्ड है कांग्रेस का, दलित मास्टर कार्ड चल गया है। और जब भगवंत मान को इन्होंने अनाउंस किया तो उनके ऊपर एक आरोप था कि भाई वो पीते हैं और पी के कहीं भी चले जाते हैं, और उसके बहुत से वीडियो भी वायरल हुए, सब हुआ। इसमें क्या हो गया? चन्नी जी दोनों सीटों से चारों खाने चित, भगवंत मान इस लेवल के साथ कि वो पीते हैं। पहले से इस बात का एहसास था आनंद जी, चन्नी को पहले से इस बात का एहसास था कि उनका चुनावी भविष्य चमकौर साहब जो उनकी पारंपरिक सीट है वहां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्होंने दूसरी जगह से लड़ने का फैसला किया। जब उन्होंने दूसरी जगह से लड़ने का फैसला किया तभी मुझे लग गया था कि इनके अंदर विश्वास की काफी कमी है। एक व्यक्ति जो लगातार चुनाव एक सीट से जीतता रहा है और मुख्यमंत्री है राज्य का और उसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित भी कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति में अगर विश्वास का अभाव हो, उसका सीधा मतलब है कि उसकी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से वो किस प्रकार के मनोबल की कमी से गुजर रहे हैं। तो ये तो जहां तक दलित वोटों का सवाल है, पंजाब के दलितों ने कभी भी किस एक जगह वोट नहीं दिया है जुड़कर। पंजाब के दलितों का अगर आप समुदायगत और जनसंख्या मूलक वितरण देखें तो आप पाएंगे कि वो लोग 3-4 तरह के दलित हैं पंजाब में, और वो भौगोलिक रूप से भी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। ये लोग कभी एक जगह वोट नहीं देते। अगर ये एक जगह वोट दे पाते होते तो कांशीराम फिर पंजाब में ही बहुजन समाज पार्टी की रचना हुई थी, का उद्घाटन हुआ था, फिर वो उत्तर प्रदेश को अपनी प्रयोग स्थली के रूप में ना चुनते, पंजाब में उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर कामयाबी प्राप्त होती। और दूसरे दलितों को और अन्य सभी वोटरों को भी लगा कि चन्नी एक ऐसी पार्टी के नायक हैं जो पार्टी एकताबद्ध नहीं है। जब मतदाताओं से संवाददाता लोग बात करते थे तो सब मतदाता कहते थे कि कांग्रेस के अंदर जो लत्याव है परस्पर, ये बंद नहीं होने वाला है, ये झगड़ा है और ये झगड़ा जारी रहेगा। खुद भाजपा का आला कमान जब एकता नहीं, कांग्रेस का आला कमान जब एकता नहीं कायम कर पा रहा था तो फिर वोटरों ने सोचा कि इस तरह की पार्टी को वोट देने से क्या लाभ है जो कि आपस में ही लगातार लड़ रही है। इसलिए दलितों के वोट भी उन्हें नहीं प्राप्त हुए, उन्हें जाट सिखों के वोट भी नहीं प्राप्त हुए, उन्हें हिंदुओं के वोट भी नहीं प्राप्त हुए, तो कांग्रेस को किसी के वोट नहीं मिले, उनके वोटों में बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट आई। जी, मैं एक और इसी से एक रिलेटेड प्रश्न है
मैं एक अपने दर्शकों के साथ शेयर कर लूं, मैंने कल एक शो किया था उसमें भी बोला था, और पूरे हिंदुस्तान में इस समय जो एमएलए विधानसभा की सीट है वो 4034 है, इसमें 87 सीट जम्मू कश्मीर के नई जोड़ी गई है। 4034 सीट में हिंदुस्तान में 8 ऐसे दल हैं जिनका 100 के ऊपर एमएलए है सब राज्यों का मिला के। नंबर एक में बीजेपी है 1365 एमएलए, ये इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद की स्थिति है। कांग्रेस 2 नंबर पे 701, तृणमूल कांग्रेस 233 तीसरे नंबर पे, आम आदमी पार्टी चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी जो एमएलए के मामले में 156, फिर डीएमके 131, समाजवादी पार्टी 114, बीजेडी 112 और टीआरएस 103। मैं ये फिगर इसलिए दे रहा हूं कि 2024 में क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक बड़े स्केल पे अपने को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना चाहेगी या नेशनल लेवल पे अपने को एक अल्टरनेटिव, या वो जो विपक्ष जो भी बनेगा। 2024 के चुनाव से पहले देखिए हरियाणा में चुनाव होगा, 2000 अभी अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है, अभी हिमाचल प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव होने वाला है, तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये दो, और राजस्थान, उसके बाद राजस्थान में भी चुनाव होगा हरियाणा के साथ साथ में, तो ये 3-4 जगह ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी ने पहले से कुछ कोशिश कर रखी है। अभी तो गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा, उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़, गुजरात और हरियाणा, यहाँ सब मध्य प्रदेश, यहाँ चुनाव होंगे हैं। तो इन चुनावों में अगर आम आदमी पार्टी के नतीजे अच्छे निकलते हैं और पंजाब जैसा चमत्कार अगर वो हरियाणा में या दूसरी किसी जगह पर कर सकती है, तब फिर आम आदमी पार्टी को 2024 में अपना दावा बहुत मजबूती से पेश करने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए इस पार्टी की एक और खास बात, इसका अभी तक हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है, इस पार्टी के पास एक खास तरह का गवर्नेंस का मॉडल है जो दिल्ली के माहौल में जिसकी काफी जांच परख हो चुकी है और ये कामयाब है। अगर इस मॉडल को अगले 1-1.5 साल में ये लोग ट्वीक करके थोड़ा सा रद्दोबदल इसमें करके पंजाब में लागू कर सकते हैं और पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और अपने किए गए वायदों को, अपनी जो सब्सिडीज उन्होंने देने का वायदा किया है उन सबको बिना किसी दिक्कत के लागू कर सकते हैं, फिर आम आदमी पार्टी को रोकने वाला बहुत मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास बात जो है वो कांग्रेस से काफी आगे निकल जाएगी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। जो मोदी का गवर्नेंस का मॉडल है उस मॉडल के साथ में स्पर्धा करने वाला एक गवर्नेंस का मॉडल राष्ट्रीय मंच पे उभर आएगा। चलते चलते अंतिम प्रश्न बहुत संक्षेप में, क्योंकि शायद बिना उत्तर प्रदेश की बात किए मन नहीं भरता है। उत्तर प्रदेश की असर एक चीज, 10 तारीख को रिजल्ट आ गए, 21 तारीख को शपथ की बात है, 11 दिन लगे हैं अपना मंत्रिमंडल को फाइनल करने में, माथा पच्ची बहुत है बीजेपी में। दूसरी तरफ ये खबर आई है कि अखिलेश यादव जी, खबर आई है कि शपथ 25 को होगी, 25 साल आनंद जी शपथ ये आई है, खबर ये आई है, 15 दिन लग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 15 दिन लग रहा है तो माथा पच्ची और बीजेपी की बढ़ रही है। अखिलेश यादव जी भी एमएलए की सीट छोड़ के एमपी रहना चाह रहे हैं। इस सब परिपेक्ष में एक संक्षेप में एक उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में क्या राजनीति होने जा रही है? देखिए मेरे लिए ये काफी दुखद बात है कि अगर अखिलेश जी एमएलए की सीट छोड़कर सांसद बने रहना चाहते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के इतिहास में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिलवाए हैं और सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने दिलवाई, यानी जब वो सत्ता में थे उसको छोड़ के, बाकी विपक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा वोट और सीटें उन्हें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने पिछड़ी जातियों की पार्टियों की एकता करके दिखाई है, उनको काफी अन्य पिछड़े समुदायों के भी वोट प्राप्त हुए हैं, उतने नहीं मिले जितने वो समझते थे कि मिलेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें वोट प्राप्त हुए हैं। इसको उन्हें सकारात्मक तरीके से ग्रहण करना चाहिए था और उन्हें एमपी की सीट से इस्तीफा देकर विधानसभा की राजनीति करनी चाहिए थी। उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना चाहिए था, उनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के लोगों को सड़कों पर उतरकर इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, इस सरकार का जो अलोकतांत्रिक रवैया है उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन अगर वो वहां से सांसद की सीट कायम रखना चाहते हैं और विधानसभा की सीट छोड़ना चाहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि फिर से वो मैदान छोड़ना चाहते हैं। ऐसा करके वो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए और रास्ता सुगम कर रहे हैं। जी
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए, और मेरे ख्याल में जब अगले अगले शनिवार को करेंगे तब तक मंत्रिमंडल बन चुका होगा, तो बीजेपी के मंत्रिमंडल पे भी कुछ बातचीत होगी, बाथापत्ती तब ज्यादा सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन, थैंक यू सो मच।